आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पुलिस के निगरानी में प्रखंड निर्वाचन प्राधिकारी के समक्ष सरपंच उम्मीदवार को शपथ ग्रहण। आपको बता दें कि भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर पंचायत सरपंच बिमल किशोर यादव को भागलपुर कोर्ट के द्वारा पुलिस निगरानी में प्रखंड निर्वाचन प्राधिकारी मनोज कुमार मुर्म, अंचलाधिकारी शंभु शरण राय के नेतृत्व में शपथ ग्रहण दिलाया गया। वहीं शपथ ग्रहण के दौरान तिलकपुर पंचायत सरपंच बिमल किशोर यादव ने कहा, मैं अपने पोस्ट एवं कार्य को विस्तार पूर्वक निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण के दौरान जनता से अपील कर संबोधित करते हुए कहा, होली में पंचायत वासियों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नशा मुक्त पंचायत बनाने की अपील करता हूं। वहीं आप लोग नशा ना करें, नशा मुक्त पंचायत बनावे। आपको बताते चले कि 21/1/2022 को गुप्त सूचना के आधार पर DSP डॉक्टर गौरव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर की मौजूदगी में दलबल जवानों के साथ छापेमारी के दौरान अवैध तरीके से हथियार रखने और कच्ची शराब पीने की पुष्टि हुई थी। वहीं शपथ ग्रहण के दौरान तिलकपुर पंचायत के सैकड़ों समर्थक लोग शामिल हुए। मुखिया प्रतिनिधि अमित कुमार उर्फ विभीषण मंडल, सत्यम कुमार उप मुखिया, उप सरपंच जयप्रकाश मंडल वार्ड नंबर 7, पार्षद प्रतिनिधि विजय यादव, राजद नेता विजय यादव, संजय यादव, इंदु यादव, अशोक कुमार यादव, पूर्व उप सरपंच तिलकपुर सुल्तानगंज विधानसभा जन अधिकार पार्टी प्रत्याशी प्रतिनिधि रामधनी यादव, सनी यादव, बंटी कुमार यादव उर्फ आकाश राज सभी प्रखंड मुख्यालय परिसर में शामिल हुए। भागलपुर से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।